हेलो गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताएंगे पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो ऑब्वियसली गाइस थोड़ा हटके वीडियो है, हटके एज इन हम जो अपने चैनल पे वीडियोस डालते हैं वो मोस्टली अर्निंग्स के ऊपर होता है और लर्निंग के ऊपर भी होता है। तो ये बेसिकली लर्निंग के ऊपर ही है और पावर पॉइंट एक्चुअली आपके काफ़ी काम में आएगा। आप जैसे देखेंगे हमारे जो भी वीडियोज़ होते हैं मोस्टली हम पावर पॉइंट से ही बनाते हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम बनाते हैं, वीडियो स्क्राइब है और अलग अलग चीज़ें जहाँ से हम वीडियो बनाते हैं। तो पावर पॉइंट काफ़ी 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 हेल्प में आ सकता है आपके, बहुत ज़्यादा इजी है। ये वीडियो में आपको पूरा बता देंगे कैसे इसको पूरी तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलो गाइस हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सीखने के टाइम पे, ओके, बिकॉज हम आपको जो है डिटेल में ज़रूर बताएंगे बट थोड़ा फास्ट फास्ट में ही दिखाएंगे बिकॉज पावर पॉइंट बहुत वास्ट है, ओके। इसके काफ़ी वेबिनार्स होते हैं, काफ़ी कोर्सेज होते हैं, ये समझ लीजिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स है 20 मिनट्स का, ओके, 20-30 मिनट्स का जो भी है। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी होगी आप उस वीडियो को बैक करके वापस से देख सकते हैं, अगर आप कोई भी पॉइंट पे भूल जाए कौन सी चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। हम आपको मेन मेन चीज़ें ही सबसे ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। वैसे जो आपको पूरा जो है सब कुछ बताएंगे इसमें कैसे होता है। तो गाइस ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, यहाँ से आप कोई भी स्लाइड, अपना स्लाइड शो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली तो इतना नहीं है बट यस ईजी है। एक बार आप सीख जाओगे तो आप इसमें आराम से सब कुछ बना सकते हो। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि फाइल है, फाइल में वही बेसिक चीज़ें होती है, आपको इन्फो है ये, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस न्यू पे जाएंगे आप, यहाँ से अपना न्यू प्रेजेंटेशन का थीम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट करके बाद में चेंज भी कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको रिसेंट दिखेगा कौन कौन सी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, क्या है, यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो, ओके। आपके जो वन ड्राइव में है वहाँ से आप ले सकते हो, कंप्यूटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। आपके कोई भी प्लेस आप ऐड करके वहाँ से आप ओपन कर सकते हो, कोई भी ड्राइव है यहाँ से सेव कर सकते हो। पहले आपको सेव एज करना होता है, उसके बाद बार-बार सेव कर सकते हो, प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल सकते हो, शेयर करना है डायरेक्टली आप डायरेक्टली बना के शेयर कर सकते हो ईमेल में या यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अकाउंट और ऑप्शन आपको नहीं दिखाएंगे, वो किसी काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये इसका ये मेन्यू है। अब आपको यहाँ से मेन स्टार्ट करते हो होम, ये होम है सब, जैसे कि अगर आपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा सेम तरीके का है ये, कुछ डिफरेंट नहीं है, ओके। सो क्विकली आपको बता देते हैं, पेस्ट है यहाँ पे, कोई भी चीज़ कॉपी है पेस्ट यहाँ से कर सकते हो। पेज स्पेशल है, अगर पेज स्पेशल में आपको ऑप्शन दिखता है, अभी फिलहाल हमने कुछ ऐसा कॉपी नहीं किया है, पेज स्पेशल यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है दिखा देते हैं, ओके। सो देखिए गाइस ये हो गया, ये हमने इसको हाईलाइट किया, फॉर्मेट किया, ओके। सो फॉर्मेट के लिए हमने ओके, सो देखिए गाइस, सो गाइस ये फॉर्मेटिंग काम कैसे करता है हम आपको बता देते हैं। अगर यही चीज़ जिस तरीके का फॉन्ट ये हम इसको अपने इसमें ऐड करना बदलना चाहे तो हम इसको डायरेक्टली जो है बदल सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे हम, इस तरीके से ये हो गया एग्जैक्टली सेम बनेगा, जो भी आप लिखेंगे ये वही आएगा। अगर ये सेम मुझे इसको इसमें करना है, मुझे इसको हाईलाइट करके इसमें सिलेक्ट करना है बस, तो ये फॉर्मेटिंग इस तरीके से काम आता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल में आता है आपके, ठीक है। और ये न्यू स्लाइड है, अब ये न्यू स्लाइड में गाइस आपको बता देते हैं कैसे कैसे होता है। ये देखिए ये एक तरीके का स्लाइड होता है जहाँ पे आपको मेन टाइटल मिलता है, नीचे सब टाइटल मिलता है, ओके। टाइटल ऊपर, कंटेंट नीचे, आपको अलग 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 तरीके के दिखाएगा, ओके। सो ये होता है गाइस सेक्शन हेडर एंड फुट का टू कंटेंट, अगर आपके दो अलग टाइटल है, दो चीज़ अगर आप अलग दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें अलग चीज़ ये है कि आप यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं, चार्ट आपका है चार्ट बना सकते डाल सकते हैं, स्मार्ट डाल सकते हैं, इमेजेस डाल, पिक्चर्स डाल सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स और वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए होता है, ये सब आपको आगे बताएंगे गाइस, ऐसा नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे, यहाँ से दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम आपको स्लाइड के बारे में बता रहे हैं, कोई चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो ये है, टाइटल डाल दीजिए कंपेयरिंग डिजीजेस, दो चीज़ को जो टाइटल है वो, सॉरी जो नाम है किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, और जो भी टाइटल है आप डाल सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए भी है। ऊपर सिर्फ टाइटल चाहिए है वो भी है, ओके ब्लैंक है, ओके कंटेंट विद कैप्शन होता है, इस तरीके से आप डाल सकते हो। ओके सो गाइस, इस तरीके से आप जो है, आप आपके देखिए हमारे कितने स्लाइड्स बन गए, ठीक है सब काम में आ जाएंगे, आपको दिखा देते हैं। ठीक है तो इसमें इतना ही है। लेआउट जो है अभी, जैसे कि ये जो है न्यू स्लाइड्स, ठीक है मैंने अगर इसमें समझिए सिलेक्ट कर लिया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, करते करते मेरी काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई है, अगर मैं चाहूँ तो इसका लेआउट कभी भी इसमें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है इसका लेआउट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यहाँ से रिसेट कर देंगे तो ये वापस से सब कुछ वैसा हो जाएगा। ओके ठीक है, तो गाइस यहाँ पे फिर सेक्शन आता है। ऐड सेक्शन क्या होता है, ये हमारे जितने भी स्लाइड दिख रहे हैं इसका एक सेक्शन बन जाएगा ऐड सेक्शन। ये देखिए ये हमारा एक सेक्शन बन गया है, अगर हम चाहे तो एक और सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है देखिए सेक्शन वन में वन आ गया, ये सेक्शन टू हो गया, और ये सेक्शन अगर करते हैं तो यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, जैसे कि एक ही स्लाइड में आप फेसबुक के बारे में बता रहे हो, ओके इंस्टा के बारे में, यूट्यूब के बारे में, तो उस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं सेक्शंस क्रिएट करके। ठीक है तो गाइस अभी हम जो है रिमूव ऑल सेक्शंस कर देते हैं। तो ठीक है ये इस तरीके से होता है। अब ये देखिए ये सेम है, यहाँ से आपका फॉन्ट होता है, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, ये सब जो बेसिक है ये वही चीज़ें हैं। ठीक है यहाँ पे आपका बुलेट पॉइंट्स आते हैं, अभी बुलेट पॉइंट्स में देखिए, अगर ये बुलेट पॉइंट्स कर दूंगा 1 2 3 तो नेट बुलेट पॉइंट 4 2 3। ठीक है तो ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं नंबरिंग पे, नंबरिंग पे चेंज हो जाएगा ये, नेक्स्ट करेंगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, इसको पोजिशनिंग चेंज कर दीजिए, मिडिल में, साइड में, लेफ्ट में, वो आप कर सकते हैं गाइस। ठीक है इसका कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा करना चाहे वो कर सकते हैं आप, देखिए इस तरीके से छोटा बड़ा हो जाएगा, साइज रीसाइज। ओके सो गाइस आप चाहे तो सब कुछ इसमें लोअर केस का कर सकते हैं, अपर केस का सब कुछ कर सकते हैं, टॉगल केस कर सकते हैं इस तरीके से। ओके ये देखिए ये भी ये पॉसिबल है, आपको वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये पूरा रीड कर देता है। ठीक है ये आप कर सकते हैं, तो ये गाइस बहुत अच्छा है, ये इजी है, आप जैसे करेंगे तो आपको इसके बारे में और पता चल जाएगा। ठीक है सो गाइस देखिए अभी टेक्स्ट डायरेक्शन जो होता है आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं। ठीक है इसको ऐसे रहने देते हैं, अलाइन इसको मिडिल में कर सकते हैं, ओके बॉटम में नीचे कर सकते हैं, बट हमने इसका डायलॉग बॉक्स बहुत लंबा दिया इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है अभी कन्वर्ट ये देखिए, अभी ये कैसा होता है, आप इसको इसमें ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके का क्रिएट हो गया, ये कर सकते हैं आप। ओके चेंज पैटर्न चेंज करना चाहे वो आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ठीक है तो इसमें आप देखिए गाइस ये सब पैटर्न्स होते हैं, आप जिस तरीके से दिखाना चाहे उस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन में आएंगे फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ओके तो आप ये कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट होता है, आप ये कर सकते हैं। अब ये होता है कोई भी आप शेप डालना चाहे ऑटोमेटिकली शेप आ जाएगा, ये जो भी आपको शेप चाहिए शेप आ जाएंगे, जो भी आपको चाहिए गाइस। ठीक है ये उस तरीके के शेप क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है तो ये हो गया स्टॉप, स्टॉप कर दूंगा मैं, तो इस तरीके का स्टॉप हो गया, ये बन गया ये शेप। तो अब इसमें बेस्ट बात ये है कि आप इसमें देखिए गाइस, इसमें डबल क्लिक करेंगे इसका आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ओके इसमें आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है इसका जो ब्लैक आउटलाइन है अभी, इसको आप चाहे तो देखिए येलो है, ग्रीन कर सकता हूँ मैं, जो भी आप चाहे, मैं जो भी चाहे, मैं नो आउटलाइन चाहिए तो नो आउटलाइन, इसको अगर ब्लैंक रखना चाहे, आउटलाइन दिखाना चाहे, ये देखिए ये, और मैं इसको चाहूँ नो फिल करके, ये देखिए इस तरीके का ये ब्लैंक हो गया है। ओके तो आप ये भी कर सकते हैं, शेप इफेक्ट दे सकते हैं इसको, देखिए ग्लो हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ये भी है, ये भी आप कर सकते हो, जो भी शेप में आप जो भी चीज़ करना चाहो, अंदर टेक्स्ट डाल सकते हो। ओके इसका कलर चेंज कर दूंगा मैं,
तो आपको टेक्स्ट दिखेगा, ये देखिए गाइस, ठीक है। और यहाँ से आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ओके। जैसे मैंने फॉर्मेटिंग बताया, इसको आप फॉर्मेटिंग किसी और में कर सकते हो, इसको अंडरलाइन करना है, ये करना है, राइट में रखना है, जैसे भी आपको रखना है आप ये कर सकते हो इसमें, ठीक है। आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, ओके। सो अब ये देखिए ये क्या होता है, समझिए, ये पावर पॉइंट ऊपर लिखा ये आ गया है तो मेरा छुप गया है। मैं चाहूँ तो इसको पीछे लेके आ सकता हूँ, इसको क्लिक करूँगा एक बार और मैं इसको सेंड बैकवर्ड्स कर दूंगा तो ये पीछे चला जाएगा। अगर मुझे इसको आगे लेना है, ठीक है, तो मैं ये आगे ले, कोई भी चीज़ को आगे पीछे ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए वापस से अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा, देखिए गाइस, तो गाइस ये आगे फॉरवर्ड हो गया है, मैं बैकवर्ड कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है। इसको रोटेट करना हो चाहो तो रोटेट भी कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं रोटेट कर सकता हूँ, जैसे भी मर्जी चाहे कर सकता हूँ, इसको अलाइन कर सकता हूँ राइट में लेफ्ट में, ठीक है, सिलेक्शन पिन, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है पिन। अगर आप कंफ्यूज है, कोई भी चीज़ आपकी इधर उधर हो गई, आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो सिलेक्शन पिन भी आप क्लिक कर सकते हो, उसको आप अपने तरीके से बड़ा छोटा जो है कोई भी चीज़ को बड़ा छोटा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है गाइस फॉर्मेटिंग में। तो गाइस ये आपको बता दिया हमने, ठीक है, होम पे ये शेप्स होगा है, अरेंज होता है, जैसे हमने आपको बताया था ये फॉरवर्ड बैकवर्ड ये वही था जो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं शेप फिल, पर वो आपको ज़्यादा ऑप्शंस में देता है फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे आपको कम में देता है। अब इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है फाइन, मतलब आप कोई भी एक जैसे कि वर्ड होता है, ये देखिए गाइस, मैं कोई भी चीज़ वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, ये तब काम आता है, आपके बहुत सारे स्लाइड होते हैं, आपको पर्टिकुलरली कोई चीज़ ढूंढनी होती है। अगर मैं 1 2 3 करूँगा तो देखिए गाइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1 2 3 का दिखा रहा है, मैच के एग्जैक्टली सेम चाहिए या फिर, ठीक है, ओके, फाइंड होल वर्ल्ड जो इस तरीके से होता है। अगर रिप्लेस करना चाहे वो भी कर सकते हैं, 1 2 3 के बजाय अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ पे 1 2 3 लिखा है वहाँ पे आ जाए 5 6 7, 6 6 7, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो देखिए ये रिप्लेस हो गया। इस तरीके से ये वर्क होता है, सेम वही रिप्लेस जो मैंने आपको दिखाया था। और सिलेक्टिंग गाइस सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, जो कंट्रोल ए से भी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा होम सेक्शन गाइस, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। होम सेक्शन में जो भी है बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। अब मेन आता है हमारा एंटर, इंसर्ट। इंसर्ट में सेम आपको सेम फीचर यहाँ पे मिलता है न्यू स्लाइड का। अब ये टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी टेबल देखिए गाइस, अभी इसको मुझे अगर ब्लैंक चाहिए, ठीक है, तो गाइस मैं इसको यहाँ पे होम पे जाऊँगा, जैसे मैंने आपको लेआउट बताया था, ये देखिए लेआउट पे जाऊँगा, इंसर्ट पे आ गए। टेबल क्या है गाइस, देखिए ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपको किस साइज़ की टेबल चाहिए, ठीक है। ये देखिए मुझे अगर सिर्फ एक तीन चाहिए, दो चाहिए, एक ही चाहिए, इस तरीके से आप टेबल आप डाल सकते हैं, ठीक है। अभी टेबल आप जितना चाहे नीचे और इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, इंसर्ट पे जाना होगा और इंसर्ट रो बिलो, वापस से जाइए इंसर्ट रो बिलो, वापस से इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो बिलो, ठीक है। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो, ओके, तो ये रो डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट रो, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, ये कर दिया है, मुझे ये रो डिलीट करना है तो मुझे क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे क्लिक करना होगा, ओके, तो यहाँ पे मुझे डिलीट करना होगा डिलीट रो, वो हो गया मेरा डिलीट। तो इस तरीके से आप ऐड डिलीट कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपको ये ब्लू नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए तो इसमें क्लिक कीजिए, ऊपर अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेगा कलर्स के, बहुत सारी वेराइटीज़ है, अलग अलग पैटर्न्स में भी है, ये एक ही पैटर्न नहीं होता, इसमें अलग अलग पैटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं, देखिए, ठीक है, अलग अलग पैटर्न है गाइस, अलग अलग तरीके हैं, बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत हेल्पफुल आ सकते हैं, देखिए अलग अलग अच्छे अच्छे में है, ठीक है। तो आप ये इसमें कर सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, ऐड रिमूव कर सकते हैं। तो टेबल का गाइस ये यूज़ है, ठीक है, आप टेबल यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स गाइस बहुत सिंपल है, कोई भी चीज़ आप जो है पिक्चर्स डालना चाहे तो आप पिक्चर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे कि देखिए मैं ये पिक्चर्स यहाँ पे डाल दूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो ये देखिए कोई भी पिक्चर आप चाहे तो इंटरनेट से भी पिक्चर डाल सकते हैं, ठीक
ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर्स जैसे कि है, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे, बिंग है तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट है तो बिंग ही होगा, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट की मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, तो मुझे अगर ये पिक्चर चाहिए तो मैं इंसर्ट कर दूंगा। ये देखिए आपकी पिक्चर आ गई गाइस, ठीक है, बहुत मस्त है ये, अच्छा है। सो इस तरीके से इंसर्ट पे पिक्चर्स दिखा दिए, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट आए तो टेक, ये हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये स्क्रीनशॉट हमने लिया है, टन टन आ गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये रहा स्क्रीनशॉट जो हमने अभी आपके सामने लिया है। इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखिए नेक्स्ट टाइम पे आपके स्क्रीनशॉट पे भी गाइस, ये देखिए हमारा स्क्रीनशॉट आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी तरीके स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखा देते हैं फोटो एल्बम, आपकी कोई एल्बम है आप पूरी एल्बम को यहाँ पे खींच सकते हैं फोटोज के लिए, वो भी आप कर सकते हो, शेप जैसा मैंने आपको बताया था। ओके देखिए गाइस, शेप जो हमने आपको वहाँ पे बताया था ये सेम वही है, पर यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया होम पे जो भी है गाइस ये आपको यहाँ पे सब मिलेगा, पर यहाँ पे बहुत कम रेंज में है, आपको फुल रेंज आपको आपके जो डेडिकेटेड जगह है वहाँ पे मिलेगा। अभी शेप्स के जितने भी शेप्स है आपको यहाँ सब मिल जाएंगे। ओके जो भी अपने शेप शेप के बारे में आपको समझाया था, स्मार्ट आर्ट जो है आपको ऑलरेडी दिखाया था, ये देखिए स्मार्ट आर्ट जो है आप उसको इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए होता है, बड़े बड़े ऑफिस में जो लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं ये उस तरीके के लिए होता है, आप ये अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चार्ट आप कोई भी डायग्राम जो है यूज़ करना चाहे, पाई डायग्राम बहुत कुछ होता है, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ये करेंगे तो गाइस देखिए आपका डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा, उस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, कैटेगरी एक्सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, जो भी डेटा आप डालेंगे उस तरीके से ही आपको फिल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। ओके चार्ट हो गया गाइस, और ऐप ऑफिस ये मत कीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिए। अभी हाइपरलिंक क्या होता है गाइस, जैसे कि समझ लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया www. ओके या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, मैंने अगर समझिए ये मेरा है तो गाइस ये हाइपरलिंक होता है, ठीक है। समझ लीजिए अगर मुझे इसको ये कोई भी इसमें क्लिक करेगा तो गाइस यहाँ पे आ सकता है, या कोई भी आपके कोई भी एक स्लाइड पे जा सकता था, वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको इसको हाईलाइट करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हो, वो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। ये हाइपरलिंक होता है, ये एक्शन होता है, ये आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। ये कमेंट होता है गाइस, अभी समझिए मुझे यहाँ पे किसी को इस डायरेक्शन पे कुछ कमेंट दिखाना है, हाय आई एम, ठीक है। तो मैं इसको एंटर मारूंगा, ये देखिए गाइस होगा, ये यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन किसी को दिखाते हैं तो इसमें जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उनको इनका कमेंट दिखता है कि यहाँ इस बॉक्स में क्या है, मतलब इट मीन्स ये देखिए ऐसे कर सकता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे ऐसा कुछ है जो मुझे पढ़ना है, सर आई एम ये मेरा आ गया, ठीक है। तो ये भी फीचर है यहाँ पे, इसमें आप ये भी कर सकते हो यहाँ से। ओके सो अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। सो ये कमेंट था गाइस, टेक्स्ट बॉक्स सेम है, टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहे तो यहाँ पे इसको इसे ड्रैग कीजिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, जो भी आप चाहे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं जितना भी चाहे। ओके इसमें फिर आप बुलेट जैसे मैंने आपको बताया था ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर देखिए, समझिए स्लाइड है कोई भी। ओके सो मैं डेट एंड टाइम डालना चाहता हूँ, ठीक है, सब इसमें डेट एंड टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, हर उसमें डेट आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हो। ओके सो इसमें डेट आ गया है, टाइम के लिए देखिए फिक्स है, स्लाइड नंबर कौन से स्लाइड में डालना चाहते हैं, फुटर में आप कुछ भी डाल सकते हो, ईमेल आज एट, ओके ईमेल आज एट जो भी आपका ईमेल आईडी है, ओके वो आप डाल सकते हो, अप्लाई टू ऑल कर देंगे, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका स्लाइड का नंबर आ गया, स्लाइड कौन से स्लाइड का नंबर है ये, वो आ जाएगा। ये इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए गाइस अगर आप टाइमिंग के साथ देखिए तो टाइमिंग करेंगे तो ये टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है।
इतना मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ गाइस, आपको जो बेसिक है वही बताएंगे हम। जो भी चीज़ हम आपको नहीं बता रहे वो प्लीज़ आप मत जानिएगा फिलहाल के लिए, वो आपके लिए काम के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छी चीज़ है ये वर्ड आर्ट, ओके, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, आपको ऑटोमेटिकली इस आपको आपको ऑटोमेटिकली टैग्स देता है अपने अपने कैप्शंस फॉन्ट्स में, ठीक है। सो इस तरीके से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, जैसे ये चाहिए ये चाहिए, जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना टैग्स डाल सकते हो, ओके। ये होता है वर्ड आर्ट, ओके। डेट एंड टाइम आप डालना चाहो, जैसा हेडर एंड फुटर में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, डेट एंड टाइम अपने हिसाब से डाल सकते हो। स्लाइड नंबर जो हमने डाला है, स्लाइड नंबर आ गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। स्लाइड नंबर हटा देंगे तो वो हट जाएगा, ये देखिए हट गया, ओके। ऑब्जेक्ट्स में गाइस ये देखिए, आप कोई भी चीज़ का अब यहाँ पे डाल सकते हैं, वो बिटमैप इमेज, तो यहाँ पे आप जो भी क्रिएट करके ओके कर दोगे गाइस, वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये नहीं डालना है मुझे फिलहाल। इक्वेशंस कुछ नहीं है, ओके, ये थोड़ा हाई हो जाएगा आपके लिए, नहीं है फिलहाल, मतलब हमारे लिए नहीं है ये अभी फिलहाल के लिए। तो वीडियोस गाइस इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, ऑनलाइन वीडियोस, कोई भी आप ऑनलाइन वीडियोस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे हमने इमेजेस की थी, वीडियो आपके पीसी पे कोई इमेज है, देखिए देखिए हमारी गेम वीडियो है, हम वीडियो यहाँ पे डाल सकते हैं, छोटा कर दीजिए कोने में, अगर आपको आपका वीडियो चलाना है, ओके, आप वो वीडियो चला सकते हो, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, काम कर सकते हो, साइड में आपका वीडियो भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, जो भी है अब वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपके वही सेम चीज़ हो जाती है गाइस, ओके। ये देखिए, इसको आप फॉर्मेटिंग में आप जब हम आपको बताएंगे तब आपको बताएंगे। ये देखिए फॉर्मेटिंग का कोई भी है, आपको हर चीज़ में फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप किस तरीके से इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो के फॉर्मेटिंग में आपको देखिए, आपको इसका इस तरीके से किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं वो आपको दिख जाएगा, गोल में आ जाएगा, वीडियो इसमें आ जाएगा, जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हो उस तरीके से आ जाएगा, ये फॉर्मेटिंग में आ जाता है, ठीक है। पोस्टर फ्रेम बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ओके, पर ये वीडियो है, ये करेक्शंस आप कर सकते हैं, पॉज हो गया, प्ले हो गया, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, रीसेट डिज़ाइन कर सकते हो, रीसेट हो जाएगा, ये देखिए हमने जो भी किया था सब रीसेट हो गया है। इसका बॉर्डर वॉर्डर सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, एप्लीकेबल होती है, ओके। ऐड बुकमार्क, इसको बुकमार्क में डाल सकते हो आप, वापस सेम वीडियो डाल सकते हो वापस, वॉल्यूम कंट्रोल जो भी आप इसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ ऑडियो के लिए होता है, आप कोई भी आप म्यूज़िक डाल सकते हो पीसी से ऑनलाइन, या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे हमने आपको बताया आप यूट्यूब के वीडियो बना सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, या तो बेस्ट रहेगा आप अपने सॉफ्टवेयर से ही कीजिएगा, यहाँ से भी आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यहाँ से आपका वीडियो का नाम डालना है और आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया है गाइस, आप इसको हट ऐसे करके आप ओके कर देंगे तो ये रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ही हो रहा है वापस से, ठीक है। तो इसको हम अभी हटा देंगे इस रिकॉर्डिंग को, ओके। सो गाइस ये रिकॉर्डिंग के बाद हम आपको दिखा देंगे डिज़ाइन, डिज़ाइन जैसे कि आपको एक टेम्पलेट्स मिलते हैं आपके बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। ये देखिए ये जो है, ये देखिए मैं ये डाल दूंगा, ये डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, ये मेरे को टेम्पलेट देता है, ओके, मेरी मर्जी है, जो भी मैं टेम्पलेट चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया था आप लेआउट फिर से चेंज कर सकते हो, ओके, ये कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, आपके इसमें सब में एप्लीकेबल हो जाएगा वो, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो गाइस, ओके। सो यहाँ पे हम आते हैं, अभी आपको दिखाएंगे डिज़ाइन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लेआउट चेंज कर सकते हो, ओके, स्लाइड स्लाइड आप इसका रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो गाइस, ओके। फॉर्मेट बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना चाहे वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये भी आपको देखिए ऑप्शन देता है पूरा, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। तो डिज़ाइन में गाइस सिर्फ इतना ही है, ओके। सो हम इसका पहले यार ये चेंज कर देते हैं, हमको ब्लैंक चाहिए, ठीक है, ओके, ये ब्लैंक हो गया। हम आपको अगर आपको ये नहीं चाहिए, हेडर एंड फुटर आपको नहीं चाहिए, तो गाइस हेडर फुटर पे जाइए, ओके, आप फुटर ये हटा दीजिएगा, अप्लाई टू ऑल हो जाएगा, सब में हट गया ये हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो,
अभी नेक्स्ट आपको चीज दिखा रहे थे डिजाइन के बाद, वो आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड में आते हैं तो बीच का जो, जैसे कि ग्रेफाइट में अगर प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा तो बीच में ट्रांजिशन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको बता देंगे। देखो ट्रांजिशन में अभी मैं जाता हूँ उसको फेड करूंगा तो इस तरीके से देखिए, तो ये वाइप ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। अगर मैं डाल दूंगा तो देखिएगा तो अभी कैसे आता है, ये देखिए क्लिक करूंगा तो ये वाइप आ गया। तो ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जो होता है अब यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हैं अपना ट्रांजिशन। ओके, जैसे कि इसमें नन कर दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा तो ये स्प्लिट होके आएगा, इस तरीके से ओपन होगा, ये अलग तरीके से आएगा, तो ये अलग तरीके से आएगा। तो देखिएगा एफआई कर दूंगा, ये क्लिक करने पे ये आया और ये अलग तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है काम। ओके, सो अब ट्रांजिशन में गाइस जितना ही आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस आप कर सकते हो। ओके, आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। ओके, जैसे कि आपको चाहिए अगर ये 5 सेकंड के बाद 4 सेकंड तक रहे, 4 सेकंड के बाद ही आए तो 4 सेकंड तक वो वही होता रहेगा। देखिए ये देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, ये पूरा 4 सेकंड लेगा आने के लिए, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से ट्रांजिशन होता है। ओके, सो ऑन माउस क्लिक आप हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली होगा, 4 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। साउंड क्रिएट कर सकते हो ब्रीज, तो देखिए इस पे भी मैं साउंड डाल दूंगा क्लिक, तो देखिए साउंड आएगा, ये देखो ब्रीज का साउंड आया, क्लिक का साउंड आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आफ्टर ये रिहटाइंग ये कर देंगे तो आफ्टर ये ऑटोमेटिकली इसमें आता रहेगा, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे माउस क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, और मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो ये मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन में सिर्फ इतना ही है, आप जो भी चीज़ ट्रांजिशन करते हो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एनिमेशन। एनिमेशन मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ, अभी समझ लीजिए मैंने एक अभी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाला, आई एम क्रिएटिंग समथिंग, ओके, मैंने ये लिख दिया, ये मतलब समझिए मेन हेडिंग हो गया है, ठीक है। ये मेरा मेन हेडिंग हो गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा वर्ड आर्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये इस तरीके से हो गया मेरा, मैं ये डिलीट करके डाल दूंगा। ओके, अभी मैं चाहूँ तो एक नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स डाल सकता हूँ जिसमें मैं बुलेट पॉइंट डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा। आई एम क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। यस आई एम, नो आई एम, ठीक है, यस आई एम। तो अगर आप देखिए हो गया, आ गया। अभी मैं चाहूँ तो मैं ये मेरे क्लिक करने पे ये एक एक करके आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा। वो कैसे आएगा, मैं इसको हाईलाइट करना होगा और फिर मुझे जाना होगा एनिमेशन पे। एनिमेशन में मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ ये किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया, मतलब ये सबसे पहले ये होगा। अगर आप चाहे तो इसको पहले कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, फ्लोटिंग करना है फ्लोटिंग, जैसे भी आप चाहे, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो एनिमेशन एंट्रेंस आपको सिर्फ यही आएगा। अगर आप नंबर वाइज चाहते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, वो चाहते हैं तो आपको ये सिर्फ एंट्रेंस में ही आएगा। ये करेंगे तो वो सीक्वेंस में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो सीक्वेंस सीक्वेंस के लिए आपको यही सिलेक्ट करना होगा ये, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, तो सेकंड फर्स्ट को चेंज में कर सकते हो ऊपर नीचे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये सेकंड हो गया, मैं वाइप करना चाहता हूँ। थर्ड वाला हो गया, मैं अपियर करना चाहता हूँ, डायरेक्टली अपियर हो जाएगा। फोर्थ वाले के लिए मैं जूम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइस ये मेरी हो गई रेडी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, देखिए अभी मैं इसको इसको मुझे इसको फॉर्मेट अगर करना है ना, तो मुझे यहाँ पे करना होगा एनिमेशन पेन पे क्लिक करना होगा। अभी मैं चाहता हूँ मेरा ये क्रिएटिंग जो है वो फर्स्ट आए और मेरा आई एम क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन सेकेंड आए। तो ये मेरा जो सेकेंड था इसको मैं इसको अप कर दूंगा, ये फर्स्ट हो गया
और ये जो था मेरा सेकंड हो गया गाइस, 1 2 3 4, जो भी सीक्वेंस आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका लेंथ है कितना लंबा ये चलने वाला है, 1 सेकेंड, ये से 0.6 सेकेंड, ये लेंथ के हिसाब से ये कलर है। ये प्ले ऑल करेंगे तो ये एफ ये देखिए प्रेजेंटेशन में आपको आ जाएगा कैसे आएगा, बट ये चलेगा आपके माउस क्लिक पे ही, ठीक है। देखिए तो आपको गाइस माउस माउस क्लिक का आपको दिखता है यहाँ पे, तो ऑन देखिए ऑन क्लिक स्टार्ट ऑन क्लिक होता है ये। मैं एफ आई करूँगा, देखिए मेरी सारी प्रेजेंटेशन, ये टाइमर हम लोगों ने सेट किया था ये, उसके लिए इतना लेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये मैंने माउस क्लिक किया, देखिए प्रीवियस में जाऊंगा मैं, जब तक माउस क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये नहीं आएगा। ये मैंने किया वापस, ये मैं वापस कर रहा हूँ, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया। इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एनिमेशन में आप इस तरीके से आप अपना जो है क्रिएट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस एनिमेशन में इतना ही होता है, आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ओके। और बाकी कुछ इतना काम का नहीं है, इतना ही आपके लिए काम का लिए होगा। तो एनिमेशन में इतना ही, स्लाइड शो सेम चीज़ें जो एफ आई दबाएंगे, F5 फंक्शन 5 F5, तो आपको उस तरीके से आएगा, बिगनिंग होगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन आप चेक करना चाहते तो करंट करेंगे तो हम आपके देखिए इस तरीके से आएगा, स्टार्टिंग से नहीं आएगा, वरना एफ आई दबाएंगे तो एफ आई स्टार्टिंग से ही आता है, ठीक है। बिगिनिंग हो गया, प्रेजेंट ऑनलाइन, प्रेजेंट ऑनलाइन, ऑनलाइन में आपको जो है ऑनलाइन में डायरेक्टली आपकी प्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगी। कस्टम स्लाइड शो जो है आप वो कर सकते हैं, देखिए कस्टम स्लाइड शो, कस्टम शो होगा, न्यू करना पड़ेगा अगर आप चाहते ये आपको करे, ये ऐड ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं। ये करेंगे तो गाइस आपके सिर्फ यही जो देखिए यही दो स्लाइड आपके शो होंगी, ठीक है। और ये और कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने कस्टम किया है इसको। तो इस तरीके से आप कस्टम सिलेक्ट कर सकते हो, सेटअप स्लाइड शो, आप पूरा सेटअप यहाँ से कर सकते हो। हाइड स्लाइड, कोई चीज़ को हाइड करना है स्लाइड को, ये देखिए इसको हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो गया यहाँ से, देखिए। तो होगा ये कि जब भी हम प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से करेंगे तो हमारे वो जो दो है वो नहीं दिखने वाले हैं गाइस, देखें डायरेक्टली चला गया फोर्थ फिफ्थ पे, ठीक है। तो हम इसको अनहाइड कर देंगे, अनहाइड हो जाएगा ये, इसको भी अनहाइड कर देंगे, ओके। रिकॉर्ड स्लाइड शो, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइड शो का, नरेशन आप कर सकते हो, आपकी आवाज़ आएगी इसमें जो भी आप इसमें करेंगे, बट ये थोड़ा हाई में हो जाएगा, अभी मत कीजिएगा स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। ये मॉनिटर होता है ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए, प्राइमरी मॉनिटर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यू प्रेजेंटर्स व्यू, ठीक है। तो आप प्रेजेंटर है तो इसीलिए रिव्यू में कुछ नहीं है गाइस, ये सिर्फ आपकी कोई स्पेलिंग्स चेक होती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो इसमें ये ऑप्शन है, तो ये हमने कभी इतना ऑप्शन यूज़ किया नहीं है, बट ये बेसिकली सब ऑनलाइन के हिसाब से ही होता है, ओके। ट्रांसलेट करना चाहे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप चेक कर सकते हैं, न्यू कमेंट, कमेंट वही है जो हमने आपको पहले बताया था, आपका कमेंट का एक टैब आ गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस जो भी आप चाहे वो कर सकते हो, कमेंट शो, कमेंट शो, कमेंट आ जाएगा, कंपेयर कर सकते हो, ओके। सो गाइस इसमें इतना ही है गाइस, व्यू में जाएंगे तो वो सेम चीज़ आएगा और नॉर्मल आएगा, आउटलाइन व्यू में आपको इस तरीके से आएगा, स्लाइड व्यू में इस तरीके से आएगा, नोट पेजेस में इस तरीके से आएगा, ये प्रिंटआउट के लिए काम आ सकता है अगर आप चाहे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, स्लाइड मास्टर में आपको इस तरीके से आएगा, ओके। तो आप वो भी कर सकते हो, क्लोज मास्टर व्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम आता है गाइस। तो गाइस ये रूलर जो होता है ये मार्जिन के लिए होता है, ये आपका पेज है, पेज का साइज इतना होगा, आप कौन से पेज पर मार्जिन पे क्या करना चाहते हो ये उसके लिए होता है, ओके। फिलहाल आपके लिए सब जरूरी नहीं है, ग्रिड लाइन जो होता है, ओके, आपके पेज पे ग्रिड लाइंस आ जाएंगे, जब ये लाइन देख रहे हो ग्रिड लाइंस आ जाएंगी, आप नहीं चाहते हो तो ठीक है, गाइड ने आपको ये फॉर्मेट डिवाइड कर दिया है, इस पेज के चार हिस्से हो गया है। ये प्रिंटिंग के लिए बेसिकली ज़्यादा करके काम आता है, कोई भी चीज़ आपको यहाँ डालनी है, चार फोटो होता है, आप एग्जैक्ट 4 साइज में इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। जूम करना चाहो जूम कीजिए,
जूम हो जाएगा, फिट टू विंडो कर सकते हो। ये मोस्टली गाइज प्रिंट के लिए, जैसे मैंने आपको बोला ये प्रिंट के लिए ही काम आता है ज़्यादा करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है गाइज। तो गाइज पावर पॉइंट पे इतना ही है गाइज। हमने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बता दी है कैसी चीज़ क्या होती है। फिर भी आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो गाइज आप ज़रूर आप हमको बता सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही है गाइज, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।